इम्पोर्टेंट क्या आपको याद है हमें इंडिया से गिफ्ट आया के महंगे महंगे हैं लेकिन सस्ते मिले हैं। ज़ारा का दिखाता हूँ होता है हर एक को। तो मैंने अपने प्राडा के सन ग्लासेस लिए थे। नहीं माई के एक रखो, दो क्यों रखने हैं? कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। ठीक है, एक माइक रखेंगे, मेरा लगाने की जगह नहीं है। फिर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ। यार काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहे हैं ना, तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ज़्यादा दिन हो गया आप ना प्रैक्टिस नहीं। इसको ऐसे करो, चलो ठीक है ठीक है। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो अब हम आए हैं आपके पास सीधा, मैं आई हूँ 24 दिन बाद। गुरु साहिब जी की कल वीडियो पोस्ट हुई है 20 दिन के बाद। तो इसके पीछे बहुत ही बड़ी कहानी आई नो। बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, डीएम्स आ रहे थे कि आपकी वीडियो नहीं आई। तो उसका रीज़न ये था कि हम 20 दिन से दोनों, मैं कम थी, ये बहुत ज़्यादा बीमार थे। मेरे को 3 प्रॉब्लम हो रखी थी, इनको एक ही प्रॉब्लम थी, लेकिन स्टिल बीमार है तो बीमार मतलब बोला नहीं जा रहा, खांसी आ रही है, फीवर हो गया। और तो इनका थोड़ा ध्यान रखना था क्योंकि बेगाने मुल्क में हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं, राइट। तो इस चक्कर में जॉब संभालना, घर का काम, गुरु साहिब जी का ध्यान रखना, उनको दोबारा से फिट करना, मेरे को भी इनका ध्यान रखना। हाँ हाँ सेम हाँ। तो इस चक्कर में टाइम नहीं मिला। सो आज हम, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था क्या, तो हम बनाने वाले हैं अपना ब्लैक फ्राइडे, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे हमारी लास्ट पोस्ट थी। बॉक्सिंग डे आ गया है। बॉक्सिंग डे आ गया कल, ठीक है। तो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम उसका हॉल लेकर आएंगे, ठीक है। तो हम आज उसका दिखाएंगे कि हमने क्या क्या खरीदा था, फुल शो ऑफ करेंगे एकदम महंगा। लड़कियां बनाती हैं ऐसे, तो मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा इसमें। आपका क्या पार्टिसिपेशन है? मैं भी दिखाऊंगा, मैंने भी शूज लिए थे, ठीक है। ये जब शो ऑफ हो ही रहा है तो गुरु साहिब जी शो ऑफ कर रहे हैं, तो ये भी शो ऑफ मैं कह रहा हूँ, ये भी लगा दो। तो इसको गुरु साहिब जी को कांग्रेचुलेट करते हैं इसके ऊपर। ये पता नहीं कब का 100K सब्सक्राइबर, अब तो क्या 200K हो, 6-7 महीने पहले आ गया था, लेकिन हाँ। अपना लाइफ का ये गोल नहीं है, सही बात है। सो ये छोटी सी अचीवमेंट आप लोगों के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। मैंने कभी दिखाया नहीं वीडियो में कुछ नहीं, इसको दिखाना क्यों है, राइट। आप लोगों का साथ है वही बहुत बढ़िया, राइट। चलो कपड़े कुपड़े लाओ, अपना सौदा लाओ जो भी है, चलो लेकर आते हैं सबसे पहले जो हम दोनों ने खरीदा था, अब मैं बता रही हूँ। जैसे की टक्कर से टक्कर करने के लिए ये अपने एडिडास के शूज दिखाएंगे, मैं दिखाऊंगी। अब दिखाओ क्या, पहले आप स्टार्ट कर लो पहले अपना हॉल, क्योंकि इनका हॉल खत्म हो गया बस। 1, 2, 3 मैंने पहली बार वाइट कलर के शूज लिए हैं एडिडास के। महंगे हैं लेकिन सस्ते मिले हैं। एडिडास का 50% का डिस्काउंट चल रहा था, तो इनका जो प्राइस था वो था $120, लेकिन $60 में मिल गए प्लस टैक्सेस। बस हो गया अपना हॉल खत्म। मैं चलता हूँ, चलो ये कंटिन्यू करेंगे अपना हॉल। पहले दिखाओ एडिडास के। अच्छा मैं अपने दिखाऊँ, तो मैंने लिए थे अपने एडिडास के शूज़, राइट। ये $180 के थे और 50% ऑफ पे थे। चलो हॉल खत्म आपका, चलो मैं निकलता हूँ, फिर वीडियो एंड होगी तो मैं आ जाऊँगा वापस। ठीक है चलो बाय बाय। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरा पूरा टेबल है ना, ये भरा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं हम H&M से, जो मैंने लिया था। तो ये ग्लव्स लिए थे जो कि हैं $13 के, एंड बहुत ही प्यारे, बहुत ही सॉफ्ट हैं, आप देख ही सकते हो, फ्लीस वाले। एंड और भी दिखा दी मैं आपको, साइड में रखती रहती हूँ आई गेस। और जैसे कि मुझे बेज कलर बहुत ही पसंद है, बेज वाइट, सो मैंने बेज कलर का स्टोल लिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा वार्म है। और मैं कल हम कहीं जा रहे हैं तो वो आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा ही, उसमें मैं ये वेयर करूँगी एंड आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे पेयर अप किया है, जिसका जो था 20% ऑफ में आई गेस, 1999 का। फ्लोअर लिया था H&M से जो अगेन 2999 का है। इसको मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ है, बट हाँ अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था तो मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट मैंने शीन से बहुत कुछ ऑर्डर किया था। तो ये देख सकते हैं, ये जो मेरा पूरा बैग है ये फुल भरा हुआ है। तो शीन का दिखाते हैं आपको कि मैंने क्या क्या लिया था। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ओपन करनी पड़ी क्योंकि 14 डेज़ रिटर्न पॉलिसी होती है, अगर मैं वो ना ओपन करती तो मे बी मैं रिटर्न ना कर सकती। सो बीमारी में भी मुझे ओपन करके डाल के देखना पड़ा था। गुरु साहिब जी, हाँ जी, आवाज़ ज़रा धीरे कर लो या यू शुड बी। जो मैंने शीन से लिया था वो फर्स्ट था, जो कि ब्लेज़र वगैरह के नीचे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने ड्रेस मंगाई थी एक शीन से जो कि थी आई थिंक $11 की। ऊपर से तो लूज़र है और नीचे से थोड़ी सी टाइट फिट है। सो ये मैंने $11 या $12 की मंगाई थी, एंड मैंने डाल के कुछ नहीं देखा अभी तक क्योंकि इतनी हालत ही नहीं थी। अभी 2-3 दिन पहले हम ठीक हुए हैं। सो मैं डाल के देखूँगी और इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा ये मंगाया था ये ब्लेज़र जो कि जिसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली में $40 का था बट मुझे आई थिंक $20 का मिला था क्योंकि ये सेल में था। एंड मैंने एक ब्राउन कलर का ब्लेज़र भी लिया था। इसके बटन्स मुझे अच्छे लगे थे, थोड़े अच्छी क्वालिटी के थे और ये मैं वेयर कर चुकी हूँ एक बारी। नेक्स्ट मैंने जो था बेसिक टॉप्स लिए थे जो कि ईच $7 या $6 हैं। जैसे कि ये पिंक क्योंकि हम ब्लेज़र वगैरह के नीचे डालते हैं तो इट लुक्स गुड। ये भी प्लेन है, आई थिंक ये $5 का था। और एक और टॉप है जो कि था अगेन बेसिक टॉप, ये भी $5 या $6 का होगा। और ये शीन तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा भैया। सो एक ये भी टॉप था और ये मैंने डाल के देखा था, मुझे बहुत लूज़ था, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। अब $7 का रिटर्न क्या करना, जब हम इंडिया जाएंगे तो किसी कज़न को दे देंगे, राइट। एंड एक और टॉप है, ये भी मुझे लूज़ था तो जो मेरी कज़न्स वीडियो देख रही हैं तो ये इंडिया ही आने वाला है एट दी एंड। सो नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने एडिडास के शूज़ लिए हैं, वहाँ 50% ऑफ था तो 50% सभी चीज़ों पे था, मतलब पूरी वेबसाइट पे 50% फ्लैट सेल थी। तो मैंने क्या लिया था वहाँ से, शूज़ लिए थे, एक स्वेटशर्ट ली थी और एक कैप ली थी। तो मैं आपको शूज़ तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। तो मैंने एक स्वेटशर्ट ली थी जो कि मेरी एंड या ये थी, ये मुझे पड़ी थी आई थिंक $40 की। और एक कैप ली थी क्योंकि मुझे एज़ यूजुअल ब्राउन बेज कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं तो मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था जो $15 अराउंड की थी। आई थिंक गुरसाहिब जी अंदर बैठे हैं, मुझे लग रहा है वो कैलकुलेटर पकड़ के ना सारे हिसाब ही कर रहे होंगे। ये तो नहीं कर रहे हैं? नहीं। कि देखूँ मैं कितना खर्चा हो गया, राइट। सो नेक्स्ट मैं आपको अपना ज़ारा का दिखाती हूँ जो कि मैंने अभी तक खोला नहीं है। मैंने इसमें से 2 चीज़ें ट्राई करी थी क्योंकि मुझे देखना था कि कहीं रिटर्न तो नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि फिर रिटर्न नहीं होगी तो ये एक्सपेंसिव है, सो पंगा हो जाएगा, राइट। सो मैंने एक स्कर्ट मंगाई थी एंड आई होप आपको दिख ही रही होगी। ये स्कर्ट है, बहुत लॉन्ग है, लाइक एंकल लेंथ तक होगी, एंकल से थोड़ी सी ऊपर होगी बट इट लुक्स सो प्रिटी। सो अब कल बॉक्सिंग डे है तो मैं सोचूंगी इसके साथ टॉप क्या लेनी है। कुर्ता कह सकते आप, शर्ट कह सकते। आई रियली लव्ड इट और इस पर मेरी बहुत टाइम से नज़र थी। आप देख सकते हो इसकी डिटेलिंग जो आर्म्स की बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये ज़ारा का आर्टिकल बहुत ही एलिगेंट था। सो ये 50% पे मुझे मिला, ठीक है, जिसका एक्चुअल प्राइस था 100 प्लस टैक्सेस। तो अमेजिंग, ये गुरसाहिब जी के साथ जब हम डेट पे जाएंगे कभी, लाइक सो तब डालेंगे। सो इट्स अ वेरी एलिगेंट आर्टिकल। गुरसाहिब जी कौन सी डेट पे जा रहे हम? गुरसाहिब जी कह रहे कौन सी डेट पे जा रहे हैं? कौन सी डेट चल रही है भाई? कोई ना कोई, जब आप गलती से मुझे कहीं लेके जाओगे तब डालूंगी। एक मैंने एक और ज़ारा से ड्रेस मंगाई थी, ये भी लॉन्ग ब्लैक ड्रेस है, बिल्कुल प्लेन है, राइट, ताकि हम इसको अच्छे स्टॉल या एक्सेसरीज़ के साथ जो है पेयर अप कर सके। इट्स वेरी लॉन्ग ड्रेस और इसको मैंने डाल के देखा था, फिटिंग बहुत ही अमेजिंग है इसकी भी। हमारा ये मैंने मैंगो कलर की हुडी ली थी, देख सकते हैं आप। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, लाइक इसको डाल के ना मतलब एक अलग सा, मतलब ये बहुत डिफरेंट सा कलर है मैंगो, राइट। सो ये मैंने हुडी ली थी और इसका प्राइस था आई थिंक $29 था। ये भी 50% ऑफ पे थी। अभी भी मेरी खांसी ठीक नहीं हुई है, हम बहुत ज़्यादा ही बीमार थे। सो ज़ारा का होता है ख़त्म। सो अब ये साइड रखते हैं। अब आपको सबसे महंगी जो शॉपिंग मैंने की, लाइक महंगी तो नहीं कह सकते बट इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। जैसे कि आपको पता है सनग्लास हट पे ना रेयर ही बहुत सेल लगती है बट साल के एंड में ज़रूर लगती है, सबको ही पता होता है। तो इस बात कुछ ज़्यादा ही सेल थी, अप टू 50 to 60% ऑफ था। मैंने अपनी लाइफ की लाइक ड्रीम तो नहीं कह सकते, ड्रीम ये नहीं होते हैं, ये शौक़ होते हैं, ठीक है। ये ज़रूरत भी नहीं होती है जैसे हम कहें हमारी ज़रूरत है, बट हाँ एक शौक़ होता है हर एक को। तो मैंने अपने प्राडा के सनग्लासेस लिए थे इस बारी। सो आई एम गोना शो यू बट सिंपल, जैसे कि मुझे ब्लैक सनग्लासेस ही पसंद है, राइट, मुझे ब्राउन या कुछ सच नहीं पसंद। तो मैंने ये, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये गुरसाहिब जी को भी मैंने जब दिखाया था वो भी मेरे को मतलब अलग सी घूर रहे थे। ओ हो आ गए ये रे डाल के दिखाती हूँ। सो इसमें मतलब डालने का भी मन नहीं कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए, राइट। सो मैंने अपने प्राडा के सनग्लासेस लिए जो कि जेड ब्लैक है एंड डाल के दिखाऊँ, राइट, एक बार दोबारा डालो। क्यों डालो तो, क्यों दोबारा डालो एक बार, जब वेल्डिंग हो जाए ना तो आता है। सो इनको ना होता है जो जेड ब्लैक वो डालते हैं जो वेल्डिंग करते हैं भैया। सो बट मुझे बहुत पसंद है, आई रियली लाइक डेट एंड सो आई बॉट इट, क्योंकि ना वो जो प्राडा बड़ा बड़ा लिखा होता है ना साइड पर, मुझे नहीं अच्छा लगता। इसमें बहुत स्लीक सा लिखा हुआ साइड में एंड आई रियली लव्ड इट। अब डालने का पता नहीं मौका कब आएगा। सो नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया था रेबैन के ग्लासेस एंड दैट आई एम गोना शो यू, क्योंकि मैं सिर्फ रोज़ वेबसाइट पे चेक करती थी कि ये कब आएंगे 40 to 50%। गुरसाहिब जी ना मेरे आगे सिर के आगे खड़े हो गए हैं ऊपर, क्या दिखा रही है ऐसा जो मैंने नहीं देखा, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। सो आई बॉट दीज ग्लासेस, सन ग्लासेस, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। डाल के दिखाना चाहिए, ठीक है, इट्स फाइन बट आई रियली लव्ड इट। सो ये मेरे को ही मेरा बर्थडे प्रेजेंट है एडवांस में, राइट। सो गुरसाहिब जी का तो पेंडिंग है, मेरा तो भी बर्थडे नहीं कब आना है, मेरा मुझे देना है, देना है। हाँ तो वो देखेंगे। एक और चीज़ भी तो लेके दी थी मैंने, वो तो दिखाऊं ब्लैक फ्राइडे पे, वो एंड में दिखा। मैंने जो लेके दिया वो दिखा नहीं रहे, मेन चीज़ तो हमने दिखाई नहीं। सो भाई बड़े आराम से ध्यान से इसको रखते हैं अंदर। एक और चीज़ है जो मुझे गुरसाहिब जी ने गिफ्ट करी थी, सो वो है ये रिंग, राइट। ये मुझे ब्लैक फ्राइडे पे इन्होंने गिफ्ट करी थी पेंडोरा से, जो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही था। एंड ये था हमारा हॉल। गुरसाहिब जी भाग मैंने एक शर्ट भी ली थी, वो ग्रीन और ब्लू वो वाली, कौन सी, वो ब्लू पगड़ी के साथ जो डाल सकते हैं। इनका भी कुछ रह गया तो वो दिखाना चाहते हैं। और शॉर्ट्स नाइकी की हडसन पे से ली थी। वो कह रहे हैं कि इसने इतना कुछ दिखा दिया है तो मैं कैसे रह सकता हूँ पीछे। अब उनको धीरे धीरे याद आ रहा है कि उनके पास क्या था। सो गुरसाहिब जी भी आपको 2-3 चीजें दिखाने वाले हैं। तो भी मैं बताना भूल गया था, मैंने एक नाइकी की शॉर्ट्स भी ली थी $30 की, उसपे जो इन्होंने अपने ब्लॉग में डाला 35% का डिस्काउंट था, और वो अभी धोने के लिए रखी हुई है, बहुत डाल दी मैंने बीमारी में, सिर्फ वही डाली क्योंकि वो ना वार्म थी बहुत। हाँ वही डाल के घूम रहा था। और एक शर्ट ली, ये ली थी आपने? हाँ मतलब आपने लेके दी थी, एक ही बात है यार, हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं। बट आप ये बोलो ना, आपने ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग की थी, आपको गिफ्ट मिला। ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग में मेरे को गिफ्ट मिला ये, तो ये शर्ट भी है। तो ये शर्ट अगर आपको कैसी लगे तो बताना। अब ये गुरसाहिब जी नेक्स्ट व्लॉग में अपनी यही शर्ट डालेंगे, ठीक है। ब्लू पगड़ी नहीं है मेरे पास लेकिन। और एक और चीज हम भूल गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्या आपको याद है हमें इंडिया से गिफ्ट आया? ओह या 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 या। सो मेरे सिस्टर ने एक डिज़ाइनर बुटीक ओपन किया है, तो मुझे इंडिया से ये बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप उसने कस्टमाइज़ करके दी है, जो कि आपको दिख ही रही होगी, और ये मैं सून डालूंगी, पेयर अप करूँगी अच्छी ड्रेस के साथ। सो उसका इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। किसी भी टाइप की डिज़ाइनर ड्रेस हो गई, सूट हो गए, कॉट सेट्स हो गए, एनी गाउन, एनी कुछ भी आप सिलवाना चाहते हो। कॉट सेट क्या होता है? जो अभी मैं डालूँगी इसके बाद दिखाऊँगी, ठीक है। सो सब कुछ अवेलेबल है। सो आप जा सकते हैं, उनकी इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हैं, अपने डिज़ाइंस भी उसको दिखा सकते हैं, तो वो सब भी वो स्टिच हो जाएंगे। तो मैं भी ये सून ये ड्रेस डालूंगी, मे भी कल हम पार्टी वगैरह पे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं ये डालूं बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड टू वेयर दिस, क्योंकि मैंने ही इसको डिज़ाइन दिया था कि मुझे स्टिच करके दे और मुझे यहाँ भेज। सो गाइस, अगर आपको हमारा ये व्लॉग बढ़िया लगा हो, और बढ़िया बहुत ही बढ़िया लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करना। और माफ़ी चाहते हैं कि हम 24 डेज़ के बाद आपको देख रहे हैं, क्योंकि मजबूरी थी हमारी। बनाएंगे रेगुलर, अब रेगुलर बनाएंगे। कलम पार्टी पे जा रहे हैं। इनका रेगुलर तो आपको पता ही कैसा होता है। मेरा रेगुलर नॉर्मल रहेगा। सो गाइस प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।